कि एक जिहड़े शक्तिशाली राज उन्हां नूं साजिशां दे नाल किवें खत्म किया जाता है। इस नूं भी असीं अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उपर ही विचारन दा जतन जरूर करांगे, क्योंकि मनुख दे एक जुझारू जां जोधा बिरती वाले मनुख दे गुण जिहड़े ने वो है सूरमताई ते सत, सच होना ते सूरमताई होना। वैसे कल इस विषय नूं अगे फिर लैके जावांगे कि सूरमताई कल्ली कोई बहुत वड्डा गुण नहीं है जेकर उस सूरमताई दे विच सच भाव रूहानीयत ना हो, पर इस नूं खत्म करन दे वास्ते दो चीज़ां वरतियां जांदियां ने, साजिश और असत, साजिश और झूठ। जदों भी असी किसी राज सत्ता दे बहादुर ते सूरमे नूं खत्म करन दे वास्ते अपनी ताकत की वरतों नूं निगुणा गिणदे हां तां उस वेले उस राज सत्ता नूं खत्म करन दे वास्ते साजिश की वरतों कीती जांदी है। उस साजिश नूं फिर अगे जेकर अपने राज नूं उस साजिश तो बचाउणा है ते फिर साडे कोल दो गल्लां होणियां चाहीदियां ने, युद्ध कला और युद्ध नीति। सो ये छे शब्द ने जिन्हां दे उपर अज असी कोशिश करांगे कि गुरमत विचारधारा दे दायरे दे विच चिंतन कीता जा सके। सूरमताई, सत, साजिश, असत, युद्ध कला ते युद्ध नीति। मैं तुहाडी सुरत नूं श्री आनंदपुर साहब लैके जाना चाहुंदा हां। जदों कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज काफ़ी जंगां जित चुके ने पहाड़ी राजां दे खिलाफ, उन्हां जंगां दा सारा बिरतांत तुसीं इतिहास दे विच पढ़ चुके हो, खास करके भंगाणी दी जंग दे विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सत दी सूरमताई दा जिहड़ा मुकाम साडे सामने पेश कीता है। जदों कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस नूं खुद अपने शब्दां च बयान करदे ने कि जब्बै बाण लाग्यो तब्बै रोस चढ़ग्यो, उस तों पहलां कोई वार नहीं। जदों दुश्मन दा वार लगा है फिर उस दे विरोध दे विच या फिर उस दे प्रतिकर्म दे विच वार कीता गया। पहाड़ी राजे इस गल नूं समझ चुके सी कि गुरु दी सूरमताई दी समर्था बहुत विशाल है, और कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सूरमताई नूं और सच की सूरमताई नूं जेकर खत्म करना है तो असत और साजिश की लोड़ है। सो पहली साजिश पहाड़ी राजियां दे वल्लों उस वेले दी मुगलिया हकूमत के अधीन रहण दे वास्ते जिहड़ी कीती गई उह सी कि आनंदपुर साहब के किले दे विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल पहाड़ी राजियां का भेजा हुआ पंडित परमानंद जाता है। दूसरी बार कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल समाणे का काजी वली हसन जाता है। इन्हां दोहां नुक्तियां नूं असीं समझणा, पहली आमद परमानंद दी है। जेकर असी अपने इतिहास के स्रोतों को पढ़ीए तो परमानंद जदों कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार के विच आउंदा उसके हाथ के विच एक थाली फड़ी हुई है, उसके मुँह के विच एक घा का तिनका, थाली के विच आटे की गऊ बना के रखी हुई है। तो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार के विच आके बेनती करता है कि मैं मूँह दे विच तिणका लैके आया, इसका भाव हुंदा है कि मैं तुहाडी अधीनगी स्वीकार करता हाँ, मैं बहुत निमाणा हाँ। दूसरी मैं तुहाडे दरबार दे विच गऊ की कसम खाना हाँ जिहड़ी मैं एक थाली दे विच आटे की गऊ बना के रखी है। ये दोवें चीज़ां ने कि मैं गऊ दे वांग निताणा हाँ, इहदे नाल ही मैं अपने धार्मिक पशु गऊ की कसम खाना हाँ कि तुसी आनंदपुर साहब का किला छड्ड दिओ, तुहाडे ते हमला नहीं किया जाएगा, किते तुहानू महिमा प्रकाश वार्तक ग्रंथ नू पढ़न का मौका मिले। वैसे तो मैं एक बेनती करा कि इत्थे गुरद्वारा साहब की लाइब्रेरी दे विच सारे स्रोत पए ने, मिट्टी कट्टे दे विच खत्म हुंदे जा रहे ने, पर इत्थों दे पढ़े लिखे लोगों के कोल उन्हां स्रोतों नू पढ़न का वक्त नहीं, पर उह स्रोत बहुत अहम ने जिहड़े एसी गुरद्वारा साहब की लाइब्रेरी दे विच पए ने। कुछ स्रोत तो ऐसे ने जिहड़े पंजाब दे विच मैनूं पढ़न नूं नहीं मिले, मैं इत्थों की लाइब्रेरी दे विच पढ़े ने। कुछ स्रोत जिहड़े ने 1945 तो बाद दे जिहड़े ने छापेखाने दे छपे हुए ने, जिसनूं असीं पत्थर छापे दे स्रोत कह दिंदे हां।
पर ना संभाल दे वल ध्यान है ना पढ़न दे वल ध्यान है, दोवें गल्लां हौली हौली खत्म होंदियां जा रही हैं। महिमा प्रकाश दे जिस दा जिक्र है कि जो परमानंद कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार दे विच आ के गऊ की कसम खांदा है तो उस वेले माता जी माता गुजर कौर जी अपने फरजंद कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहिंदे ने कि ब्राह्मण ने गऊ की कसम भी खा रहे हैं, क्यों ना इन्हां दी गल दे उपर इतबार किया जाए। तो पातशाह का जवाब बड़ा प्यारा है, हुण तां साडे सिखां दे विच भी गऊ पूजा का हौली हौली रुझान पैदा हो रहा। पातशाह का जवाब बड़ा प्यारा है, वह कहिंदे गऊ इहां तां जानवर है इसका क्या विसाह, जिहड़ा है ही जानवर उसकी कसम का भरोसा की करिए। पर फिर भी जेकर तुसीं इन्हां लोकां दी साजिश ते दंभ वेखना चाहुंदे हो मैं तुहानूं इन्हां दी साजिश ते इन्हां दा दंभ विखा सकदा। हुण साजिश ते दंभ नूं प्रगट करन दे वास्ते लोड़ है युद्ध नीति दी, ना कि युद्ध कला दी। हुण युद्ध नीति किवें दी वरती जांदी है, इह इक नीति है, है युद्ध दा हिस्सा क्योंकि दरबार आनंदपुर साहिब नूं आले दुआले तों घेरिया होया। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन्हां लोकां दे इस पखंड नूं इस दंभ नूं लोकां दे सामने प्रगट करन दे वास्ते एक बड़ा प्यारा कौतक करदे ने। किले दे विच्चों बहुत सारे गड्ढे उस समान दे भरे जांदे ने जिहड़ा बिल्कुल व्यर्थ है, जिहड़ा सुट्टिया जाणा सी, जिहड़ा किसी काम नहीं सी आउणा, उहदे गड्ढे भरे जांदे ने ते जिहड़े बलद ने उहनां दे उप्पर मशालां बन्न दित्तियां जांदियां। और उस वेले परमानंद नूं इह गल कह दित्ती जांदी है कि कल रात नूं असीं किले दे विच्चों काफले दे रूप च निकल जावांगे क्योंकि तुसीं विश्वास दवाया हमला नहीं कीता जाएगा। अगला दिन अद्धी रात हुई, किले दे विच्चों उही वाधू काटू ते व्यर्थ समान दे गड्ढे जिहड़े सी उह बाहर भेजे गए। जदों उह गड्ढे आनंदपुर साहिब दी जूह चों बाहर आए ते पहाड़ी राजा ने हमला कर दिता। हुण पातशाह एक पहाड़ी दे उपर खड़े भाई दया सिंह नूं कह रहे ने कि इह इहनां लोकां दा ईमान है, जेकर सचमुच ही असी काफले दे रूप च जांदे ते साडे ते भी हमला होणा सी। इह इहनां लोकां दा ईमान है कि साजिश दे नाल साडी सूरमताई नूं धोखे नाल खत्म करना चाहुंदे सी। इह सी युद्ध दी इक नीति, जिस नीति दे नाल इह पक्ष संगत दे विच प्रगट कर दिता गया कि ये लोग धर्म के नाम के उपर भी धोखा करते हैं साजिश के नाल। यह साजिश नाकाम हुई तो दूसरी बार औरंगजेब का भेजा हुआ काजी वली हसन आता है। वली हसन के हाथ के मुकद्दस कुरान शरीफ है तो कुरान शरीफ के एक पासे फारसी के एक कसम लिखी हुई है, उहदे विच लिखिया है कि तशरीफ दर कस्बा कांगड़ कुनद वजा पस मुलाकात बा हम शबल। इस दा जिक्र, इस कसम दा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामे दे विच भी कीता कि तशरीफ दर कस्बा कांगड़ कुनद कि औरंगजेब आप नू बेनती करता है कि तुसी आनंदपुर साहब दा किला छड के दीना कांगड़ दे इलाके च आ जाओ, वजह पस मुलाकात तुहाडे ते हमला नहीं कीता जाएगा बल्कि सुहिरदता दे नाल मुलाकात की जाएगी ते गलबात दे नाल मसला हल करन दा यतन करांगे। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों जफरनामे च इस कसम का जिक्र किया है ना, इहदे अगले शेर दे विच एक होर बड़ी प्यारी गल लिखी है, कहिंदे औरंगजेब बेशक मैं कुछ नहीं संभालिया, फरजंदा की शहादत आनंदपुर साहब तखत ताज राज सब कुछ गया, मैं कुछ नहीं संभालिया, पर मैं तेरी भेजी हुई उस मुकद्दस कुरान शरीफ नूं जरूर संभालिया जिहदे विच तेरा धोखा ते तेरी साजिश नशर हुंदी है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने औरंगजेब नूं एक गल कही है, कहिंदे औरंगजेब बेशक तू बड़ा खूबसूरत है, कुदरतन उस वेले दुनिया की खूबसूरत औरत ममताज जिहड़ी नूर जहां की भतीजी सी उहदी कुख दे विचों पैदा होया औरंगजेब शकल दे पक्ष तों तां सूरत बड़ी प्यारी रखदा है। पातशाह लिखदे ने कि हुसनल जमाल अस्त रोशन जमीर खुदाबंद मुल्क अस्त साहिब अमीर, पर कहिंदे ने कि घाट कित्थे है, कहिंदे घाट इत्थे है
कि ना ईमा परस्ती ना औजाए दीन ना साहिब शनासी ना मोहम्मद जकी। ना ईमा परस्ती, तू ईमान परस्त नहीं है, बोलता झूठ है। ना औजाए दीन, ना तेनू अपने दीन दे पर विश्वास है। ना साहिब शनासी, ना तेनू खुदा दी शनाखत है। ना मोहम्मद जकी, तू हजरत मुहम्मद साहब दीयां गल्लां ते करदा है पर उन्हां ते विश्वास कोई। ये सारिया तेरिया घाटा ने, ते तेरिया इन्हां घाटा नू नशर करन दे वास्ते मैं तेरी उस कुरान नू संभाल के रखिया कि धर्म दे नाम दे उपर तेरे धोखे नू नशर किया जाए। तुरा गर बबायत बकौले कुरान बनिसदे शुमारा रसान महामा। और जी जफरनामे च लिखते ने, तुरा गर बबायत, जेकर तू वेखना चाहुंदा है बकौले कुरान, वह कुरान जिस दे उपर तू कौल इकरार कसम लिखी सी, बनिसदे शुमारा, जल्दी मेरे कोल आ जा, रसान महामा, मैं संभाल के रखी हुई है। हुण इत्थे एक तत् समझण वाला बड़ा अहम, क्योंकि असी लिखतां दे विच वी उस गल नूं लिख दिंदे आ। साडे प्रचारक कई बार स्टेज दे उपर वी इह गल कह दिंदे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल धोखा कीता गया, कह दिंदे आ जी। पर की गुरु छलिया जा सकता है? ते जिहड़ा धोखे दे विच आ गया की उह गुरु हो सकता है? असी ते कहिंदे गुरु अछल है, छलिया ही नहीं जा सकता। ते जिहड़ा छलिया गया वह पूर्ण गुरु किवें हो सकता है? नहीं, गुरु साहब धोखे दे विच नहीं आए, बल्कि औरंगजेब दे वल्लों जिहड़ा धर्म दे नाम दे उपर धोखा किया जा रहा सी उस नूं नशर किया। हुण जेकर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब ना छड़ दे तां साडे अज दे लेखकां ने की कहना सी कि औरंगजेब ने तां मुकद्दस कुरान शरीफ की कसम खाधी सी कि तुसीं आनंदपुर साहब छड़ दिओ, तुहाडे ते हमला नहीं किया जाएगा। पर गुरु ने उहदे धर्म ते ईमान ते विश्वास नहीं किया, किला नहीं छड्डिया। पर गुरु साहब ने आनंदपुर साहब का किला छड़ के उस दे उस धोखे नूं साडे सामने नशर किया। गुरु साहब धोखे का शिकार नहीं होए, नहीं तो जंग ही लड़नी होंदी तां चमकौर की गढ़ी के नालों आनंदपुर साहब दे जंग लड़नी ज़्यादा सौखी सी। पर उस दे धोखे नूं नशर करना बहुत जरूरी सी कि यह लोग सूरमताई के खिलाफ धर्म के नाम के उपर साजिश किवें करते। चमकौर की जंग हुई, उस जंग के बारे हकीम मिर्जा लाया रखा जोगी के बड़े प्यारे शब्द कहते ने, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। मेहर की चमक है तेरे जर्रों में चमकौर, जहां से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए। दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी, बराए कौम जे रुतबे लहू बहा के लिए। अपील करता हूँ हज करो अहां आकर, इस्तदा करता हूं सिंघों की करबला के लिए। सो चमकौर दी जंग उस धोखे नू नशर करती है जेड़ा गुरु दी सूरमताई ते सत नू खत्म करन दे वास्ते साजिश ते असत दे सदका वरत्या गया। और जेकर असी इन्हां धोखियां दी प्रक्रिया दी गल करदे हां, इतिहास दे विच बहुत वार इंज दे धोखे कीते गए। गुरु काल दी गल करिए या फिर गुरु साहब तो बाद की गल करिए, फिर अंतरराष्ट्रीय वापरे वर्तारिया की गल करिए, जिन्होंने मैं समझना है कि समझना बहुत जरूरी है कि धोखा साजिश असत की होंगी है, ये सामने युद्ध नीति ते युद्ध कला की होंगी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज, उस राज का तुसी अंत वेखते हो किस तरह होंदा है। हुण तो बहुत सारे डाकूमेंट सामने आ चुके ने कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जो बीमार हुए उन्होंने दवाई दे विच जहर दिती गई, और बकायदा तौर दे उपर एक डॉक्टर है जिसका नाम आउंदा है जिहड़ा अंग्रेज डॉक्टर सी, उस डॉक्टर ने रणजीत सिंह नूं दवाई दे विच जहर दिती। ते वह डॉक्टर जिहड़ा है वह डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जिसनों होमोपैथी का जन्मदाता कहा जाता है, उसका स्टूडेंट सी। ते सैमुअल हैनीमन कौन सी? सैमुअल हैनीमन एक फैमिली डॉक्टर सी रॉथचाइल्ड फैमिली का, जिहड़े यहूदी ने। ते रॉथचाइल्ड फैमिली क्यों खत्म करना चाहती है रणजीत सिंह नूं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी हिंदुस्तान दे च व्यापार करन वास्ते आई सी, इहदे मालिक रॉथचाइल्ड सन। हुण तुहानूं इस गल की समझ लग जाएगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक यहूदी रॉथचाइल्ड ने, रॉथचाइल्ड का फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर सैम्यूअल हैनीमन, सैम्यूअल हैनीमन का स्टूडेंट है डॉक्टर हॉगनबर्गर, तो वो राही रणजीत सिंह को जहर दी गई। रणजीत सिंह का पुत्र महाराजा कंवर खड़क सिंह उसनों जहर दी गई। अज तुहानू इतिहास के बहुत सारे स्रोत मिल जाएंगे कि किस तरह के नाल उसनों मरकरी ते लैड एसीटेट दिता गया, जिन्हों असी पंजाबी क्या करते सी कि पारा देना। प्रेम सिंह होती मरदान ने भी लिखा, सोहन सिंह सीतल ने भी इस गल का दावा किया कि खड़क सिंह नू भी मिठा जहर दिता गया, लैड एसीटेट ते मरकरी। उसका पुत्र कंवर नौनिहाल सिंह अपने पिता का अंतम संस्कार करके आ रहा है, उसके ऊपर एक दरवाजे का छज्जा सुट्टिया गया, कंवर नौनिहाल सिंह नू खत्म किया गया। कंवर नौनिहाल सिंह की धर्म पत्नी शाम सिंह अटारी की बेटी बीबी नानकी गर्भवती सी, उस नू कतल किया गया। शेर सिंह की उस वेले मौत का कारण बेशक सदे वाली सरदार ने लहणा सिंह अजीत सिंह, पर उन्होंने शेर सिंह नू कतल करन दे वास्ते जिहड़ी कारवाई दित्ती गई वह अंग्रेजां दे वल्लों दित्ती गई। महाराणी चंद कौर, महाराणी चंद कौर दे सिर दे विच पत्थर मार मार के चार दासियां आसो राजी ते बदामू, इन्हां सारियां दासियां ने जदों सिर ते पत्थर मार के उसनू कतल किया, उस तो बाद उन्होंने भी कतल कर दिता गया, क्योंकि ध्यान सिंह डोगरा चाहता सी कि कतल की साजिश खोल के सामने ना आ जाए। सो सारे परिवार को खत्म किया गया एक साजिश के नाल। समस्या कित्थे है कि अजे तक भी साडा सिखां दा कोई इतिहासकार बोर्ड नहीं कि इतिहासकार इकट्ठे होके राज गया किवें, कारण की सी, साजिशां की सी, उन्हां सारियां साजिशां नूं साडे सामने रख सके। असी उस तरह का अजे तक कोई सिख हिस्टरी का बोर्ड बना नहीं सके। बाकी दुनिया दी जिन्नियां भी कौमियतां ने वह अपने इतिहास के उपर निठ के खोज करदियां ने। हरि सिंह नलूए की असी गल करदे, 1882 दे विच एक ब्रिटिश वीकली अखबार सी टिटबिट्स, टिटबिट्स ने लोगों के कोल राय मंगी। हुण तां असी ऑनलाइन वोटिंग करदे, उन्हां समयां च चिट्ठी पत्र ही चलदा सी, लोगों नूं चिट्ठियां दे जरिए ये राय देने दा वास्ते पुछया गया कि दुनिया का महान जरनैल कौन है। किसी ने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन लिखिया, किसी ने नपोलियन बोनापार्ट लिखिया, किसी ने चंगेज खान लिखिया, किसी ने करीम मुहम्मद लिखिया, किसी ने बाबर लिखिया, सारिया ने आपो अपनी राय दी। पर जो सारिया चिट्ठिया का अध्ययन किया गया, एनालाइज किया गया, तो एक गल सामने आई कि बहुत सारे लोगों का मत सी कि दुनिया का महान जरनैल हरि सिंह नलूआ है। फिर कारण दसिया गया कि कारण की है, कारण यह दसिया गया कि जेड़े दुनिया के महान जरनैल मने जाते ने वह जो दुनिया को फतेह करन दे वास्ते चले तो दराए खैबर के उपर आके हारे, पर यह दुनिया का वह जरनैल है जिन्हें सब तो पहला दराए खैबर के उपर कब्जा किया। हुण हरि सिंह नलूआ वो जरनैल जिस दे नाम दे पिछे नलूआ शब्द इस करके लगा क्योंकि उसने शेर का शिकार किया, और साढ़े इतिहासकार कहते हैं कि उसने शेर का चबाड़ा पाड़ दिता। कितने तुहानू जिहड़ी वाइल्ड लाइफ है उन्हूं पढ़न का मौका मिले, तो जिहड़ा शेर का चबाड़ा हुंदा है ना उसका जिहड़ा पर स्क्योर इंच जिसनूं पी एस आई कहिंदे आ, पर स्केयर इंच जिहड़ा प्रैशर हुंदा है ना वह 990 पाउंड तो 1060 पाउंड तक हुंदा है, पर स्केयर इंच प्रैशर शेर दे चबाड़े दा, ते उस चबाड़े नूं पाड़न वाले दे विच किन्ना दम होवेगा। वेखण वाली इह गल है कि उस जरनैल दीआं बाहवां दे विच किन्ना दम होवेगा। फिर उस नूं भी साजिश दे नाल मराउण दा जतन किया गया, जिस तरह का जतन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे वास्ते किया गया सी। आगरे की जंग तो बाद जिहड़ी काजी दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वार्तालाप हुई, वह दोवें गल्लां मैं तुहाडे नाल पिछले विख्यान सांझियां कर चुका है। जदों वह गुरु साहब की गोश्त ते वार्तालाप विच निर उत्तर होए, तो फिर तीजा तरीका सी कि जानो खत्म करवा दिता जाए।
सर बुलंद खान आके शहजादा मुअज़्ज़म जिहड़ा बहादुर शाह बन चुका है उसनूं आके कहिंदा कहिंदा असीं सुणिया है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दो तीन बार शेर का शिकार किया। यह गल सच्ची है कि झूठ है? तो जे ये सच है तो गुरु गोबिंद सिंह साढ़े सामने शेर का शिकार करके दसे, क्योंकि जैजो के जंगल में एक आदमखोर शेर से जिसन मैनीटर कहा जाता है, आदमखोर शेर से। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दरबार के आए तो बहादुर शाह कहता है कि मेरे दरबारी चाहते ने तुम शेर का शिकार करो। पातशाह मुस्कुरा के कहते यह कि वड्डी गल है, दसो कित्थे है शेर, कित्थे करना है शिकार। अगले दिन का प्रोग्राम बनिया तो जंगल में तुर पे। हुण उस वेले बहादुर शाह दे नाल सर बुलंद खान भी है, बहादुर शाह दे नाल अमीन खान भी है, बहादुर शाह दे नाल हसन मुहम्मद भी है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल एक सिख है रोशन सिंह। जो शेर के पैरों के निशान वेखे, उहदी गार दा उहदी गुफा का पता लगा शेर इस पासे है, कलगीधर पातशाह उस पासे घोड़ा लैके जाण लगे ना, तो उस वेले भाई रोशन सिंह पता की कहिंदे, पातशाह ये किवें हो सकता है कि गुरु का सिख गुरु के नाल हो शिकार गुरु करे, शिकार करन मैं जाना। पातशाह मुस्कुरा के कहिंदे ने, रोशन सिंह तू तो अपनी वड्डी शमशीर अपनी तेग भी नहीं लेके आया, तेरे हाथ विच तां कुतका है डंडा है। फिर की होया पातशाह, शिकार डंडे नाल ही करूंगा, शेर का शिकार डंडे दे नाल। जदों ये गल सर बुलंद खान ने सुनी ना, तो उहदे अंदर एक वीरता ने हुलारा खाधा कि जेकर गुरु का एक नमाणा जिहा सिख डंडे दे नाल शेर का शिकार करन वास्ते तैयार है तो मैं नेजे दे नाल क्यों नहीं कर सकता। उस वेले सर बुलंद खान बहादुर शाह नूं कहिंदा शिकार मैं करना है। बहादुर शाह कहिंदा जा सकदा है। इतिहासकार कहिंदे ने जदों सर बुलंद खान शेर दे लागे गया, शेर ने इवें दा झटका मारिया जिस तरह के नाल एक धोबी पत्थर के उपर कपड़ा सुटदा है, तो बुलंद खान नूं पाड़ के उत्थे सुट दिता। बहादुर शाह पिछे नूं भज्जण लगा तो पातशाह कहिंदे रुक जा, हुण चलिया कित्थे है, हुण गुरु के सिख दा शिकार तां वेख ला। हुण भाई रोशन सिंह गया है शेर दे सामने, रोशन सिंह डंडे दे नाल शेर दा मुकाबला कर रहा है। अखीर मुकाबला करद्या करद्या बेशक भाई रोशन सिंह दे जिस्म दे उपर भी शेर दीयां नौंदरां दे दांदां दे निशान लगे, लहू लुहान होया, पर अखीर एक सिर दे विच ऐसा वार कीता कि शेर जिहड़ा सी निडाल हो के जमीन ते डिग पिया। रोशन सिंह ने अपनी गात्रे दी छोटी शमशीर नूं कढ़िया पेट दे विच मारी, शेर खत्म कर दिता, अपना कमर कस्सा खोलिया, शेर दीयां लत्तां नूं बन्न के बहादुर शाह दे सामने लिया के सुट दिता। बहादुर शाह आ शेर पिया, बहादुर शाह जमीन नूं हाथ ला के कहिंदा लाहौल कुव्वत अल्लाह। इन्ना बहादुर ऐसे सिख अपने गल दे विच्चों हीरियां दी माला ला के जदों रोशन सिंह दे गल दे विच पाउण लगा, रोशन सिंह पिछे हट गया। बहादुर शाह कहिंदा की गल, तू शेर दा शिकार कीता वी कुत्ते दे नाल, मैं तैनूं इनाम देना चाहुंदा, तू पिछे हट गया। कहिंदा नहीं, इस झोली दे विच जे कोई दात पा सकदा है ते मेरा गुरु। मैं किसी होर दे कोलों अपनी झोली विच दात नहीं पवा सकदा, शेर दा शिकार कीता मेरे गुरु दा हाथ मेरे सिर ते सी, मैं तेरे कोलों अपनी झोली च कोई दात नहीं पवा सकदा। इसे तरह के नाल मरवाउण दे वास्ते ध्यान सिंह डोगरा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं कहिंदा है कि सुनिया है दरबार दे विच, सुनिया है कि हरी सिंह नलूए ने शेर दा शिकार कीता, असीं वेख्या थोड़ा, साढ़े सामने करा के वेख। बसंत दा मेला लग्या करदा सी, सारे दरबार के लोग इकट्ठे होया करते सी। ध्यान सिंह डोगरे ने अपने पुत्र हरी सिंह डोगरे दे राही एक आदमखोर शेर मरवाया, ते हरी सिंह नलूए नूं कहा गया कि हुण तू शेर दे नाल लड़ना है। सारे लाहौर के लोग वेख रहे ने, जिस तरह तुसी ग्लैडिएटर फिल्म वेखी होवे, ग्लैडिएट लैटिन भाषा का शब्द है, मतलब हुंदा तलवार, ते ग्लैडिएटर जिहड़े ने तलवार दे नाल जानवरां दे नाल लड़ाई करिया करदे सी, गुलाम भी सी, लोकां दा मनोरंजन भी सी ते पेशा भी सी। पर इत्थे हरी सिंह नलूए दे कोल कोई वड्डी शमशीर नहीं है ते मुकाबला कीता जा रहा शेर दे नाल। सारे लाहौर दे लोक वेख रहे ने, कदी शेर उपर ते कदी हरी सिंह नलूआ उपर, अखीर शेर जिहड़ा सी निडाल होके जिग पिया,
हरी सिंह रलवे ने बड़ा पार दिता। जो हरी सिंह रलवा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे कोल आया, रणजीत सिंह इनाम देने लगा तो हरी सिंह ने एक गल कही सी, क्योंकि डोगरियां दी साजिश नूं समझ चुका सी। हरी सिंह ने पता की कहा सी, हरी सिंह कहिंदा उह रणजीत सिंह, हरी सिंह नलवे दे कोलों ते भावें रोज एक शेर मरवा लिया कर, पर जिस दिन तेरे शेर हरी सिंह नलवे नूं इन्हां डोगरियां ने खत्म करवा दिता, तेरे राज नूं गिदड़ां ने खा जाणा। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜਮਰੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਬੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾਬ ਅਖਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸਹਾਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਅਜੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਲਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਐਰਨੋਲਡ, ਰੇਨੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨੋਲਡ ਵਾਲਟਰ, ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਲੂਸੀਟਾਨੀਆ ਕੌਨਸੀਪਰੇਸੀ। ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਲੂਸੀਟਾਨੀਆ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਬੰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਪਲੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੂਸੀਟਾਨੀਆ ਕੌਨਸੀਪਰੇਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਥ ਚਾਈਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਥ ਚਾਈਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਟਰੀ ਸੀ।
अमरीका इस जंग दे विच हिस्सा नहीं सी लै रहा। इंग्लैंड यह गल समझ गया कि मैं कल्ला जर्मन दे नाल नहीं लड़ सकता, जिन्ना चिर तक अमरीका मेरा साथ ना दे। पर अमरीका उस जंग च नहीं सी आना चाहता क्योंकि उन्होंने इस जंग के नाल कोई मतलब नहीं सी, वह दूर बैठे से, जंग यूरोप दे विच हो रही सी। जर्मन जिहड़ा वह लगातार जित्ता प्राप्त करता जा रहा सी, ते जिहड़ा मिस्टर चर्चिल वह चाहता सी कि किसी तरीके दे नाल अमरीका इस जंग शामिल किया जाए। हुण उस कॉन्सपिरेसी की उस साजिश की शुरू होंदी है गलबात। मिस्टर चर्चिल जिहड़ा है वह रॉथचाइल्ड दे नाल संबंध पैदा करता है और उन्हां संबंधां दे विच उसका एक मंत्री मिस्टर बालफोर, जिसनों बालफोर डेकोरेशन के नाम भी एक डॉक्यूमेंट जाने जाता है, उहदे विच उन्हां नूं कहा जाता है कि जेकर यहूदी लोग इस जंग दे विच साडा साथ देण ते किसे तरीके दे नाल अमरीका नूं इस जंग दे विच लै आउण, असी जित जाइए ते असी यहूदियां नूं उन्हां दा एक इलाका देवांगे जिसनों अज इजराइल कहा जाता है। ये पहला ओटोमन एम्पायर के अधीन सी, उत्थे अरब के मुसलमान लोग वसते सन, यहूदियों की उत्थे गिनती 4-6% सी, इलाका उन्होंने कोल भी इन्ना की सी, सारा इलाका जिहड़ा सी वह अरब के मुसलमाना दे कोल सी, जिन्हां नूं पैलेस्टीनियन कहा जाता है। यह फैसला होया कि अमरीका नूं जंग दे विच लैके आउणा, जंग दे विच किवें लैके आंदा तुसीं उस कॉन्सपिरेसी नूं समझो। एक कंपनी जिसका जहाज सवारियां वाला जहाज, वह जहाज न्यूयॉर्क तो इंग्लैंड नू आ रहा सी, ते उस समय उस जहाज दे विच कुछ असला ते कुछ बरूद रखा गया। जो जर्मन की अंबैसी नू एक गल लिखी तो जर्मन की अंबैसी ने बकायदा तौर पर न्यूयॉर्क दे विच लोगों नू सूचित किया इस जहाज दे विच सफर ना किया जाए क्योंकि यह जहाज बेशक सवारियां वाला है पर इस जहाज दे विच बरूद लिजाया जा रहा, एक साजिश है। पर जिन्नियां भी न्यूयॉर्क दियां अखबारां ने उन्हां दे सारयां दे मालक यहूदी सी, अज भी आ तुहाडी फेसबुक, तुहाडा गूगल, आ तुहाडे जिन्ने भी सोशल मीडिया, आ तुहाडी हॉलीवुड दे विच जिन्नियां भी वड्डियां फिल्म मेकरस कंपनियां ने, वार्नर ब्रदर तो लैके 21st Century Fox तक, ये सारयां दे मालक यहूदी ने, वड्डे चैनलों के मालक यहूदी ने। उदों भी इन्होंने दुनिया की जिहड़ी प्रेस है, जिहड़ा प्रिंट मीडिया, उहदे ते कब्जा कर लिया सी। सो जर्मन कह रहे हैं कि इस जहाज च सफर ना किया जाए क्योंकि इहदे विच असला है, तो जेकर किसी जहाज विच असला जा रहा है तो संसार जंग दे विच जर्मन दे कोल है अधिकार के उहदे उपर हमला किया जा सके, इहदे च सवारियां सफर ना करन। पर वह खबर छापी ना गई, लोग उस जहाज च सफर कर रहे हैं। जदों वह जहाज आयरलैंड के कोल पुजा तो उस वेले जर्मन की एक टॉरपीडो जिहड़ी कि उन्होंने यूबोट के उपरों जिहड़ी सी छड्डी गई, वह टॉरपीडो जिहड़ी सी जिसनूं तुसीं पानी वाली मिजाइल कह सकते हो, बंब कह सकते हो, वह जाके जहाज के नाल टकराउंदा है। जहाज के विच बहुत वड्डा धमाका हुंदा है और उस कॉन्सपिरेसी के विच जिहड़ा रेनॉल्ड वाल्टर यह गल कहिंदा है कि वह धमाका केवल तो केवल उस टॉरपीडो के कारण नहीं होया बल्कि जहाज के विच भी बरूद रखा गया सी। हुण होया कि 1199 व्यक्तियों की मौत हुई, उन्हां 1199 दे विचों 128 अमरीकी सी। जदों 128 अमरीकियों की मौत हुई तो उस वेले जिहड़ियां अमरीका दियां यहूदी अखबारां सी उन्होंने यह लिखना शुरू कर दिता, रोज आर्टिकल छापे गए, अमरीका चुप क्यों बैठा, इस 128 बंदे मार दिते गए, अमरीका जंग दे विच क्यों नहीं आ रहा, इस 128 बंदे कतल किए जा रहे हैं, कि अमरीकन जिहड़े ने जंग तो डरते ने, कि अमरीकन कायर ने, कि अमरीकन अपने बंदियां दी मौत का बदला नहीं लै सकते। होया कि अमरीका इस जंग दे विच आ गया, अमरीका नूं ब्रिटेन का साथ देना पिया, जिस करके जर्मन जिहड़ा सी उहदे खिलाफ जिहड़े देश सी उहनां दी गिणती वध गई, जर्मन की हार हुई और उस ही हार दे विचों बालफोर डैकलारेशन निकली जिहदे अधीन जिहड़ा सी यहूदियां नूं इजराइल जिहड़ा सी दे दिता गया। हुण इस मुल्क के पिछे साजिश वेखो कि अमरीका नूं किस तरह के नाल इस साजिश के विच लिया गया, जिहड़ी इस जंग दे विच नहीं सी आउणा चाहुंदे उहनां नूं जंग दे विच किवें लिया गया। सो यह हुंदा कि अंतरराष्ट्री पद्धर के उपर जिहड़ियां साजिशां वापरदियां ने, मेरे वीरों सानूं उहनां दा ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिन्ना चिर तक असी इन्हां कॉन्सपिरेसीज़ नूं
इन्हां कॉन्सपिरेसी थ्यूरीज़ नूं नहीं पढ़ांगे सानू नहीं पता लगेगा कि राज किस तरह खत्म किए जाते हैं। सभरावां दी जंग नूं पढ़ के वेखो, सभरावां दी जंग दे विच जिन्हें भी अंग्रेज जरनैल ने, वह चाहे मिस्टर गिलबर्ट है, चाहे मिस्टर हैनरी है, चाहे मिस्टर डिक है, उन्हां सारे दी, चाहे लॉर्ड गफ है, उन्हां सारियां दी लिखतां पढ़ के वेखो, कहिंदे असीं जेती नहीं सी सकदे जेकर शाम सिंह अटारी नूं धोखा ना दित्ता जांदा। शाम सिंह अटारी बड़ी बहादुरी दे नाल उस जंग दे विच गया। सामने अंग्रेजां दे मोर्चे ने तीन पासियां तों, सिख जिहड़े ने ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਫ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਂ ਪੜਤਲਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਸੜੇ ਮੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਖੇ ਖਾਂ ਹੋਏ ਕੱਟੇ, ਬੰਨ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਰੇਤ ਨਿਕਲੀ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰੂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੋਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰੇ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।